हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सब बताना ज़रूर। और देखिए यहाँ पर ये कर रहे थे पूजा, तो बस मैंने पीछे से वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके बाद मैंने भी पूजा की थी। आप समझ सकते हो ना, अभी मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, जिसकी वजह से हम फ़ोन को ना कैमरे को स्टैंड पे नहीं लगा पा रहे। लेकिन मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि ले लूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है ऐसे, क्योंकि दो से तीसरा कोई नहीं है कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर सके। तो चलिए कोई नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मैं अब हो गई हूँ रेडी। उसके बाद में मैंने बस यही साड़ी पहनी हुई थी पीली, क्योंकि गुरुवार भी था तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। कैसा लग रहा है लुक आप ज़रूर बताना। इधर ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने दीपक जला के एक थाली में रख लिया था और मैं जा रही हूँ सब जगह रखने। बाहर गेट के बाहर भी एक रखा था और अपने गेट के बाहर भी एक रखा, तो सब जगह रखना होता है ना, तो वही रखने जा रही थी मैं। आप लोग की दिवाली कैसी थी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और इधर ये देख सकते हैं आप लोग बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल के दिन ऐसा दिन हर दिन होना तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यू। और ये है अपना, हर जगह लाइट लाइट लाइट, बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है हर जगह का। तो बहुत ही खास दिन भी होता है हमारे धर्म का। तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली बार बार। आप सभी लोगों को भगवान हमेशा खुश रखें, और ऐसे ही आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तो आप लोग देख भी सकते हो ना कि यहाँ पर मैंने पूजा की थी, और पूजा करने के बाद इधर ये यहाँ की पूजा हमने नीचे ही रख के पूजा की थी, क्योंकि ऊपर अलमारी में ना ज़्यादा ऊंचा था तो बन नहीं रहा था, तो यहीं पे बस रख के पूजा कर लिया। कि आप सभी लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और हिंदू धर्म का तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ऑब्वियसली कोई गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है, और सभी लोग इंजॉय करते हैं, सभी लोग अच्छे से इस त्यौहार को मनाते भी हैं। तो बस सभी लोग का जो भी दिन हो, जो भी समय हो, ऐसे ही अच्छे से हमेशा गुजरे, सब लोग ऐसे ही खुश रहें, किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, बस गॉड से इतनी ही प्रार्थना है। और आप लोग बस यूं ही अपने कर्मपथ पर अग्रसर रहिए, हमेशा लगे रहिए, सबको एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जो भी आप लोगों की इच्छाएं होंगी, जो भी आप लोग की उम्मीदें होंगी, वो ज़रूर पूरी होंगी। बस आप लोग ईमानदारी के साथ लगे रहिए, और हम सबको पूर्ण निष्ठा के साथ ही अपना काम करना है। तो गाइस ओके, वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक योर केयर।